BGMI रिटर्न का इंतजार कर रहे हो तो आज की इस अपडेट वीडियो को देख के बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि रिसेंटली अब से कुछ 4 घंटे पहले BGMI के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक ट्वीट आया है जिसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स है, जैसे कि प्रोजेक्ट मी एक ओपन वर्ल्ड मोबाइल गेम है जो बहुत जल्द आप खेल पाओगे, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप लेजेंड का सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, और आखिर में आर्टफॉल, इस गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है इस वीडियो को देखते रहो पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इन सब अपडेट्स को, BGMI लवर हो यार शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले इसी तरह से हर दिन अपडेट वीडियोस देखने के लिए। तो करना, तो सबसे पहले हम धमाके के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले न्यूज सर्कुलेट हो रहा था कि BGMI अनबैन होगा बहुत जल्दी, रिपोर्ट भी आ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट अनबैन गेम को करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए, जिसमें कुछ कंडीशन भी होगा, जैसे कि ब्लड जो है गेम में रेड नहीं होना चाहिए, पहले से रेड था क्या, नहीं ना, फिर गेम खेलने का टाइम लिमिट भी होना चाहिए। ये सब तो न्यूज आपके पास पहुंच चुका होगा, हमने भी कल के या फिर परसों के वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन आज जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर तो पता चला कि BGMI का ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसमें एक पोस्ट आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जिसमें लिखा गया है इट्स टाइम टू स्विच ऑन नोटिफिकेशन। तो इसका साफ साफ आप भी मतलब समझ चुके होंगे कि BGMI बहुत ही जल्दी अनबैन होगा, लेकिन अभी उनके तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कब ये अनबैन करेंगे, और क्या जो ग्लोबल अपडेट आया है 0.7 वर्जन का शायद उसके साथ ही आएगा, या फिर पुराने वर्जन को ही ये रन करने वाले हैं, तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरे से पूछोगे तो यार मैं उतना ज्यादा हाइप्ड अप नहीं हूं, क्योंकि पहले जैसा मजा इस गेम में तो अभी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। पथिया गेम्स के तरफ से बहुत ही जल्दी एक ओपन वर्ल्ड RPG मोबाइल गेम आने वाला है जिसे पब्लिश करेंगे न्यूवर्स, इनके बारे में तो आपको पता होगा, जिसका साइन अप भी स्टार्ट हो चुका है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, और ये साइन अप चलेगा 20 जून तक। तो अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो साइन अप कर सकते हो। गेम टेक प्लेस करेगा माई टाइम सीरीज पे, और शायद आप सबने माई टाइम एट पोटिया गेम को खेला होगा जो एक पेड गेम था, हमने भी गेम प्ले किए थे, सपोर्ट उतना नहीं मिला था, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। लेकिन इस गेम में आपको डिफरेंट स्टोरी लाइन, मिशन और साथ में माई टाइम सीरीज का पूरा फिल्म मिलने वाला है, जिसके ऊपर एक ट्रेलर भी रिलीज किए हैं जो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। उसके अलावा प्लेयर खुद का बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं गेम में, फुल फ्रीडम मिलेगा आपको कस्टमाइज करने का उसे। ज्यादा डिटेल तो प्रोजेक्ट मी के बारे में उन्होंने शेयर नहीं की है, लेकिन देखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन आपको ये नोट करके रखना है कि ये गेम शायद पेड होने वाला है, क्योंकि जितने भी सारे माई टाइम सीरीज के गेम आए हैं ज्यादा से ज्यादा गेम जो है पेड हैं। बात तो सही है। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का मोबाइल एडिशन वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप लेजेंड ऑफिशियली सॉफ्ट लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड और iOS के लिए, लेकिन सिलेक्टेड रीजनों में। 2 साल से ये गेम डेवलपमेंट में है। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप फिलीपींस, कनाडा, फ्रांस और ब्राजील के सर्वर पे जाके कनेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। ग्लोबल रिलीज डेट का फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन गेम तो काफी देखने में अच्छा लग रहा है। 2 साल से डेवलपमेंट में ऑब्वियसली अच्छा तो होगा ही, ग्राफिक्स, मैकेनिक्स सब कुछ सही है। प्लेयर इसमें क्रूसर्स, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप को यूज करके दूसरे प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, साथ साथ अपने कमांडो को ट्रेन भी कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके पर अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि इस गेम को इंडिया से कैसे डाउनलोड करना है। चाहते हो कमेंट कर दो। ठीक है, समझ गया। और वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है मच वेटेड मोबाइल गेम से, इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस गेम का बात कर रहे हैं उसका नाम है आर्टफॉल। फाइनली इसको लेके कुछ गुड न्यूज आ चुका है। ये एक एडवेंचर शूटर MMORPG गेम होगा लेजेंडरी स्टूडियो के तरफ से, जिसका फर्स्ट टाइटल था प्रोजेक्ट 56। इसे 2022 को ही अनाउंस किया गया था, जिसके बारे में आपको अपडेट भी दिए थे लेकिन आप सब नहीं देखे। गेम टेक प्लेस करता है वेस्टलैंड पे, जहां प्लेयर अपना शेल्टर छोड़ के एक लेजेंडरी की को सर्च करना पड़ता है। इस एडवेंचर में आप एक्सप्लोर, एसेंशियल को कलेक्ट, कॉम्बैट कर सकते हो मॉन्स्टर के साथ, और भी बहुत कुछ है जैसे कि मिशन वगैरह, उसे भी आपको कंप्लीट करके अच्छा खासा रिवॉर्ड्स लेना है। गेम जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट के साथ आएगा, जिसका फर्स्ट क्लोज बीटा टेस्ट जो है इस साल के जुलाई मंथ में स्टार्ट होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट क्यों नहीं कर देते। साथ में यही सब अपडेट जो है आपको जानना इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर किए, खासकर प्यार
BGMI लवर के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, इस तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।